अंधेरे का दीपक। धरती पर जब भी अंधेरा होता है, मानव चुप नहीं बैठता। वह दीपक जलाता है और उसके प्रकाश में अपनी राह खोजता है। कई बार यह अंधेरा मानव के जीवन को घेर लेता है। कुछ लोग इस अंधेरे से भयभीत हो जाते हैं, कुछ भटक जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो जीवन के इस अंधेरे के बीच एक नया सूरज उगाते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों में पुणे के स्वर्गीय श्री नरहर शंकर जुन्नरकर हैं, जिन्हें लोग सुधीर जुन्नरकर के नाम से जानते हैं। सुधीर जुन्नरकर का जन्म 11 जनवरी 1938 को पुणे के एक गरीब परिवार में हुआ था। सुधीर अभी एक वर्ष का भी नहीं हुआ था कि पोलियो की बीमारी की लपेट में आ गया। पोलियो के कारण उसकी कमर के नीचे का भाग बेकार हो गया। फलस्वरूप न वह चल सकता था और न ठीक से बैठ सकता था। वह संपूर्णता परावलंबी बन गया। ऐसी स्थिति में एक वर्ष के इस बालक की सेवा उसकी माँ ताराबाई ने पूरी निष्ठा और लगन के साथ किया। सुधीर की प्राथमिक शिक्षा पुणे के शारदा मंदिर में हुई। इसके बाद उसे न्यू इंग्लिश स्कूल में भर्ती कराया गया। सुधीर ने अपनी बुद्धि तथा परिश्रम के बल पर उच्च शिक्षा पूर्ण की। सन 1962 में सुधीर वाणिज्य विषय में स्नातक हुआ। विकलांगता के कारण वह कभी निराश नहीं हुआ। पहली कक्षा से लेकर स्नातक तक सुधीर की माँ प्रतिदिन उसको बाबा गाड़ी में ले जाती और वापस लाती। माँ ताराबाई के अपार श्रम के कारण ही वह स्नातक बन सका। स्नातक होने के कुछ ही दिनों बाद सुधीर को पुणे की राजा बहादुर मोतीलाल मिल के लेखा विभाग में नौकरी मिल गई। पूरी निष्ठा और ईमानदारी से वह वहां करीब 12 वर्ष तक कार्यरत रहा। इन दिनों भी माँ ताराबाई रोज उसे लाने ले जाने का काम करती थी। लेखा विभाग के सभी कर्मचारी सुधीर की कार्य पद्धति से बहुत प्रसन्न थे। सुधीर विकलांगता पर विजय प्राप्त कर चुका था। उसे अच्छा वेतन भी मिल रहा था, परंतु वह भीतर ही भीतर बेचैन था। वह यह अनुभव कर रहा था कि मेरी तो समस्या हल हो गई, परंतु मुझ जैसे सैकड़ों विकलांग और भी हैं। उनके लिए कुछ न करते हुए केवल अपने लिए जीना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। बचपन में पढ़ी मैथिली शरण गुप्त की कविता की पंक्ति अक्सर उसे याद आती, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अन्य विकलांगों के दर्द को वह अनुभव कर रहा था। उनके लिए कुछ करने की इच्छा उसमें तीव्र होने लगी, परंतु नौकरी इस सेवा कार्य में बाधा बन रही थी। इस कारण उसने नौकरी छोड़ देने का निर्णय ले लिया। माँ से चर्चा कर उसने विकलांगों की सेवा के लिए एक दिन नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। माँ ताराबाई विकलांग लोगों की माताओं के दर्द को समझती थी। इस दिशा में कुछ करने की उनकी भी इच्छा थी। विकलांगों की सेवा के लिए माँ और बेटे दोनों ने पारंपरिक जीवन का त्याग किया। वे कठोर परिश्रम के रास्ते पर निकल पड़े। सुधीर की इच्छा थी कि विकलांगों की सेवा के लिए एक संस्था स्थापित की जाए। सन 1968 में उसने ऐसी संस्था स्थापित की। इस संस्था का वह अध्यक्ष बना। विकलांगों को रोजगार दिलाना तथा केंद्र और राज्य द्वारा घोषित सुविधाओं की जानकारी विकलांगों तक पहुंचाना, इन दो उद्देश्यों को सम्मुख रखकर यह संस्था कार्य करने लगी। विकलांगों को समान अवसर प्रदान करने वाली राष्ट्रीय संस्था पहले से ही भारत में मौजूद थी। इस संस्था की एक शाखा सुधीर ने पुणे में स्थापित की।
इसे स्थापित करने में पुणे के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री एन के फिरोदिया और फजल भाई के अथक प्रयत्न महत्वपूर्ण रहे। इसका आरंभिक कार्यालय सुधीर के घर में ही था। संस्था का कार्य करते समय सुधीर के कुछ आग्रह थे कि लोग विकलांगों की सहायता दया से न करें, एक सामाजिक जिम्मेदारी समझकर करें। अगर कोई बच्चा विकलांग हो जाए तो माँ बाप उसे अपने जीवन का बोझ न समझें। विकलांग व्यक्ति को जीवन में सफलता तीन कारणों से मिलती है। 50% सफलता जीवन के प्रति आत्मविश्वास बनाए रखने के कारण, 25% सफलता आवश्यक आर्थिक सहायता उपलब्ध होने के कारण, 25% सफलता संबंधित परिवार की सेवा वृत्ति के कारण। सुधीर द्वारा स्थापित पुणे की संस्था विकलांगों के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। विकलांगों को शासन की ओर से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी उन तक संस्था पहुंचाती है। उनके विवाह की समस्या को हल करने का प्रयत्न भी ये संस्था करती है। उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षित स्थान दिलाने का प्रयास भी यह संस्था करती है। यह विकलांगों को आर्थिक सहायता भी देती है। विकलांग लड़कियों के निशुल्क निवास, भोजन आदि की व्यवस्था करने के लिए भी यह प्रयत्न कर रही है। व्यवसायिक शिक्षण देकर यह उन्हें स्वावलंबी बनाना चाहती है। सुधीर के जीवन में घटित एक प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। यह उन दिनों की बात है जब महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री प्रकाश जी ने विकलांगों के लिए कार्यरत संस्थाओं के सदस्यों को राजभवन में चाय के लिए आमंत्रित किया था। 27 मार्च 1960 को सुधीर अपनी माँ के साथ राजभवन पहुंचा। श्री प्रकाश जी ने वहां उपस्थित प्रत्येक विकलांग से बातचीत की। विकलांगों के लिए कुछ करने की सुधीर की निष्ठा से राज्यपाल श्री प्रकाश जी प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सुधीर ने कहा, अपना काम अधिक गति से करने के लिए मुझे एक ट्राईसाइकिल की जरूरत है। कुछ दिनों बाद राज्यपाल श्री प्रकाश जी जब पुणे आए तो उन्होंने सुधीर के संबंध में पूछताछ की। पूछताछ के बाद श्री प्रकाश जी अत्यंत संतुष्ट हुए। उन्होंने अपने सचिव को सुधीर के घर भेजकर उसे भेंट स्वरूप एक ट्राईसाइकिल दी। विकलांगों के प्रति राज्यपाल श्री प्रकाश जी की आत्मीयता देखकर सुधीर तथा उसकी माँ गदगद हो उठी। सुधीर ने विकलांगता को अभिशाप न मानकर उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया था। सुधीर की मृत्यु 23 जनवरी 1982 को हुई। इसके बाद राष्ट्रीय विकलांग विकास संस्था ने स्वर्गीय एनएस जुन्नरकर स्मारक शिष्यवृत्ति की योजना घोषित की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री निधि में से 10,000 रुपए इस योजना के लिए भेजे। कार्यकारी मंडल ने इसके पूर्व ही 12,000 रुपए इस योजना के लिए इकट्ठे किए थे। इस प्रकार प्राप्त राशि के ब्याज से प्रतिवर्ष विकलांग दिवस के अवसर पर तकनीकी शिक्षा लेने वाले छात्रों को शिष्यवृत्ति दी जाती है। सुधीर की रुचि पढ़ने लिखने में बहुत थी, इसीलिए उसने आधार प्रकाशन नाम की संस्था स्थापित की थी। आधार प्रकाशन सुधीर के जीवन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। बाबूराव दीवाण नाम के एक विकलांग पर श्री मधुकर कुलकर्णी द्वारा लिखी पुस्तक माणूस मोठा जिद्दीचा का दूसरा संस्करण सुधीर ने प्रकाशित किया। सुधीर जैसे व्यक्तियों का जीवन एक दीपक की तरह है, जो दूसरों को प्रकाश देकर यही संदेश देता है कि मानव को बाधाओं से हार नहीं माननी चाहिए। रास्ते की बाधा कितनी ही बड़ी क्यों न हो, व्यक्ति को अपनी ठोकरों से रास्ता बनाना चाहिए और लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए।